देखिए बेटा, ए पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। व्हेन पैराशूट ओपन्स इट डीएक्सेलेरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ही रीचेस द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट। देखिए पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो पैराशूटिस्ट था बेलिंग आउट करने के बाद वो 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन फॉल कर गया। जैसे ये क्राफ्ट में से पैराशूटिस्ट नीचे आया तो यहाँ से और यहाँ तक, मान लो यहाँ वो ये क्राफ्ट में से बेल आउट किया था उसने, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर वो क्या कर गया विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन फॉल्स, विदाउट फ्रिक्शन फॉल, ठीक है, यहाँ 50 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है कि वेल पैराशूट ओपन्स, जब उसने पैराशूट यहाँ पे ओपन किया इट डीएक्सेलेट, तो इसके बाद यहाँ पे जब पैराशूट ओपन किया तो डीएक्सेलेट यानी उसकी जो वेलोसिटी थी वो घटनी स्टार्ट हो गई है ना। किस रेट से, किस रेट से डीएक्सेलेट हुआ वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के रेट से। अब डीएक्सेलेशन हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ही रीचेस द ग्राउंड, वह यहाँ पे किस पे पहुंच गया ग्राउंड पे, किस पे पहुंच गया ग्राउंड पे विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ फाइनल स्पीड कितनी से वो पहुंचा 3 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, तो वो पूछ रहा है कि किस हाइट से उसने बेल आउट किया था, यानी यहां से लेकर के और यहां तक की जो हाइट है ग्राउंड तक की, यहां से उसने बेल आउट किया था तो ये टोटल हाइट हमें क्या करनी है यहाँ पे बतानी है, ठीक है। अब इस हाइट को हम 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करके देखें, 50 मीटर तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक विदाउट फ्रिक्शन वो फॉल कर गया, तो हमारा मेन पर्पज क्या है, इस एच को फाइंड आउट करना, इस एच को फाइंड आउट करना, क्योंकि अगर हमें ये स्मॉल एच पता चल गई तो कैपिटल एच किसके बराबर हो जाएगी 50+ में स्मॉल एच के बराबर, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ से जैसे ही वो क्या किया था बेल आउट किया था तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, फिर वो 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन नीचे आया, ना कोई एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड कर रहे हैं हम ना कुछ भी, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है, तो इसका मतलब अर्थ उसे खुद खींच रही है, कुछ भी ना एक्सेलेशन ना डीएक्सेलेशन, तो अर्थ उसे जो खींचती है कितने एक्सेलेशन से खींचती है जी के बराबर, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हर वस्तु को इसी एक्सेलेशन से खींचती है। यहाँ पे जाकर के वो क्या करता है पैराशूट ओपन होता है, तो यहाँ से अगर हमें ये वी डैश पता चल जाए, फाइनल वी हमें पता है, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके यहाँ से हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पहले हम इतनी सिचुएशन के लिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं, इसके लिए जहां पे u कितना है 0, v डैश हमें फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू कितनी है 50 मीटर और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है जी, तो लगाइए वी डैश का स्क्वायर माइनस में यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 और इंटू में हाइट कितनी दी हुई है 50, तो यहाँ से वी डैश का स्क्वायर कितना आ जाएगा 52 जा 100 तो 980, और अगर वी डैश निकालो तो अंडर रूट 980 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा, अब हमारे पास ये वाली सिचुएशन बची, ये वाली यहाँ से यहाँ। अब ये सिचुएशन क्या है देखो, हम यहाँ पे देखते हैं, ये सिचुएशन है हमारे पास, ये हमारे पास वी डैश आ गया और हमें वी पता है, ये एच है और ए की वैल्यू है माइनस का 2, ठीक है। अब पुट करो दोबारा से उसी में,
फाइनली जो वेलोसिटी उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, s कितना है h है, v कितना है आपके पास यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 3 9 माइनस v डैश कितना है आपके पास अंडर रूट 980 और v डैश का स्क्वायर कितना है 980 इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है माइनस 2 इंटू में h 980 में से 9 गए माइनस के 971 इज इक्वल टू माइनस 22 जब 4 है माइनस 2 माइनस कैंसिल यहाँ पे देखिए h इज इक्वल टू 971 डिवाइडेड बाय 4 4 2 जा 8 1 4 4 जा 16 1 4 2 जा 8 3 बचे 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20 ये आ गया मीटर आपके पास। इसको हम अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं 243 मीटर। हमारे पास h की वैल्यू आ गई कितनी 243 मीटर। हमें निकालना क्या है कैपिटल h 50 प्लस 243 कितना आया आंसर 3 4 5 9 2 यानी 293 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन।